अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक इंसानों के ऊपर वालदैन का है, इसलिए कि असल क्रिएटर वो है, असल सस्टेनर वो है, लेकिन जरिया तख्लीक वालदैन बने हैं। वालदैन के नुतफ़े ही से तो वालिदा के रहम के अंदर आपकी ज़िंदगी का, आपके वजूद का आगाज़ हुआ है। फिर वालिदा ने आपको अपने खून से, आपने उसका खून चूसा है, एक बहुत बड़ी जूंग की तरह जो है पेट के अंदर वो बच्चा जो है माँ का खून चूस रहा है और उसी से पल बढ़ रहा है। फिर यह कि 9 महीने तक उसने अपने पेट में रखा है, फिर जो वज़े हमल हुआ है किस कदर तकलीफ़ और शिद्दत की कैफियत के साथ हुआ है, फिर उसने अपने खून ही की तवानाई है जो दूध की शक्ल में तुम्हारी ग़िज़ा के तौर पर तुम्हें पिलाई है। तो उनका हक जो है तमाम इंसानों में फ़ाइक़, जुमला मखलूक़ात में फ़ाइक़ तर हक़ है वालिदैन का। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने वालिदैन के बारे में इंसान को वसीयत की। ये वसीयत दर हकीकत फितरत इंसानी के अंदर मौजूद है। वालिदैन के साथ ये हुस्न सलूक फितरत इंसानी के अंदर मौजूद है। वो शुक्र का जज्बा जो है, मैंने तो आपसे अर्ज़ किया, सबसे पहले तो वालिदैन ही से मुंसलिक होता है। वालिदैन ही उसके प्रोटेक्टर हैं। बच्चे को कई किसी तरफ से खौफ होता है, भागता है, दौड़कर माँ की छाती से चिपट जाता है, गोद में दाखिल हो गया, वो समझता है कि मैं तो किले के अंदर आ गया। चाहे यह कि कोई दरिंदा सिफत, कोई सिख है, कोई और है, कोई यहूदी है, वो उस बच्चे को खींचता है माँ की गोद में से उठाकर और उछालता है और किसी नेज़े के अंदर पिरो देता है, ये दूसरी बात है। लेकिन बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुँच कर ये समझता है कि मैं तो किले के अंदर आ गया हूँ, महफूज हो गया हूँ। लिहाजा उसका जज्बा तशक्कुर पूरा वालिदैन के साथ इसको बरकरार रहना चाहिए, ये जज्बा तशक्कुर। और इसमें ख़ास तौर पर यही वजह है, कुरान मजीद में आप देखेंगे कि ये 4-5 मकामात ऐसे हैं, सूरह बकरा में भी है, सूरह निसा में भी है, सूरह अनआम में है, सूरह बनी इसराइल में है, कि वालिदैन का हक अल्लाह के हक के फ़ौरन बाद। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिलवालिदैन इहसाना, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम नहीं बंदगी करोगे, परस्तिश करोगे किसी की सिवाय अल्लाह के, और वालिदैन के साथ नेक सलूक, यानी अल्लाह के जिक्र के फ़ौरन साथ जुड़ा हुआ। जैसे यहाँ है अनिश्कुर ली वाले वाले देख, शुक्र करो मेरा। देखिए अल्लाह को अपना हक जिताने में कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अल्लाह ने अपना हक, करो मेरा शुक्र, अनिश्कुर ली, क्रिएटर मैं हूँ, तुम्हारी माँ के दिल में ममता मैंने डाली है, तुम्हारे बाप के शफकत जो है वो जो मेरी उसके दिल में थी तुम्हारे लिए वो मैंने पैदा की थी, तो असल क्रिएटर और सस्टेनर तो मैं हूँ, मेरा शुक्र। और यहाँ पहले अपने शुक्र का जिक्र किया, हालांकि यहाँ जिक्र हो रहा है वालिदैन का। वह वसैनल इंसान अब वालिदैन, हमने वसीयत की इंसान को वालिदैन के बारे में, लेकिन उसका अख्तिताम जो हो रहा है अनिश्कुर ली, शुक्र करो मेरा, वाले वालिदैन, और अपने वालिदैन का। इलैयल मसीर, बिल आखिर तो मेरी ही तरफ लौट कर आ जाना है, तुम भी आ जाओगे, तुम्हारे वालिदैन भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ नोट कीजिए, वालिदैन में से वालदा के हक को फाइज करार दिया गया। हमलत हो महू वाहन अला वाहन, उसे उठाए रखा उसकी माँ ने, कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेल कर। जाहिर बात है नक़ात होती है औरत के अंदर, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया था, एक जूक है जो उसका खून चूस रही है मुसलसल, उसको नक़ात हो रही है कि नहीं हो रही। वाहन अला वाहन, कमज़ोरी पर कमज़ोरी, ज़ौफ़ पर ज़ौफ़ झेलते हुए उसने उसे उठाए रखा। हमलत वाहन वफिसाल हो फी आमैन, और फिर दूध का छुड़ाना हुआ 2 साल में। नॉर्मल जो है रज़ाअत का हक, आजकल तो बहरहाल अब दोबारा तवज्जो हो रही है, और साइंस जो है, जो इक्तिशाफात हैं उनसे भी, कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये बहुत बेहतर है। ये बॉटल फीडिंग जो है ये चाहे कितना अच्छे से अच्छा दूध हो, माँ के दूध का बदल कोई नहीं। वफिसाल हो फी आमैन, और उसका दूध छुड़ाना 2 सालों में। अनिश्कुर, इसीलिए हदीस में आता है कि एक सहाबी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर मेरे हुस्न सलूक का अव्वलीन मुस्तहिक़ कौन है। आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा। उन्होंने फिर पूछा उनके बाद कौन, फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन, फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा। 4थी मरतबा पूछा फिर कौन, तो फरमाया तुम्हारे वालिद। यानी वालिद के हुकूक वालिदा के हुकूक से तिहाई हैं, या यूँ कहिए कि वालिदा के हुकूक वालिद के हुकूक से 3 गुना है। और ये बात इसलिए कि वाक़तन जो मुशक्क़त माँ झेलती है बाप की नहीं होती। रात को भी माँ जागती है बिलुमो, वो बाप को तो चाहती है कि सोया रहे, उसे कल जाके काम करना है, मजदूरी करनी है या कुछ और करना है, बच्चा रो रहा है तो वो माँ जो है वो अपनी नींद हराम करेगी, कोशिश करेगी कि बाप की नींद में खलल ना आए। ये सारा जो है बोझ जो है उठाया है माँ ने, जिस्मानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी, नफसियाती तौर पर भी। सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है इंसान की परवरिश में वो तो वालदा का है, लिहाजा वालदा के हुकूक जो है, और इसमें ज़रा एक तवाज़ुन है। कानूनी एतबार से औलाद वालिद की है, अगर सेपरेशन हो जाएगी वालिद को जाएगी, नाम वालिद का चलेगा, फला इब्ने फला, माँ का नाम नहीं चलेगा अमेरिका की तरह आजकल, इसलिए कि वहाँ तो बाप का अक्सर पता ही नहीं होता कि बाप है कौन, अक्सर औलाद जो है वो आरामजादी है, लिहाजा पता क्या कि बाप कौन है, बगैर किसी शादी की औलादें हो रही हैं। वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर नॉट मैरिड, वी आर लिविंग टुगेदर, और लिविंग टुगेदर में बच्चे भी हो रहे हैं, कोई लीगल उनके दरमियान जो है वो रिश्ता नहीं है, वो मियाँ बीवी नहीं है, ओनली वी आर लिविंग टुगेदर। बहरहाल तो वालदा के हुकूक जो है कानूनी हक वालिद का फाइक है, लेकिन अखलाकी हक वालदा का बहुत दर्जे फाइक। अलजन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत जो है वो तो माओं के पाँव तले है, यही बाप के पाँव तले नहीं कहा है। तो ये बैलेंस है, दुनियावी निज़ाम चलाने के लिए बाप का मामला वो हेड ऑफ द फैमिली है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, लेकिन यह है कि जहाँ तक अखलाक का, हुस्न सलूक का, अदब का, लिहाज का ताल्लुक़ है, माँ का हक 3 गुना फाइल है।